अखंड देखिए कि जहां एक प्रदेश में उसको आर्टिकल 19 को लागू करने की कोशिश हो रही है उसको संविधान विरोधी बताया जा रहा है, और इतने बड़े पाखंडी जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो कह रहे हैं हम संविधान लेके घूम रहे हैं, हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। वो पाखंडी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे जिन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में खत्म कर दिया। वो पाखंडी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे जिन्होंने 1976 में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, संविधान की फाउंडेशन को ही बदल दिया। मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि संविधान के प्रीएम्बल से सेक्युलर शब्द हटाए जाए, मामला चल रहा है, अभी 12 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेक्युलर शब्द पे संविधान सभा में 3 बार प्रस्ताव आया था, प्रोफेसर केटी शाह लेके आए थे, और तीनों बार 3 दिन संविधान सभा में चर्चा हुई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं सेक्युलर शब्द का विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। 6 दिन प्रीएम्बल पे चर्चा हुई संविधान में, तब जाके हमारा प्रीएम्बल फाइनल हुआ। 1976 में मार्च में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया, याद रखिए मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा, इलेक्शन हुआ नहीं, नई लोकसभा बनी नहीं, और नवंबर 76 में यानी टेन्योर पूरा होने के 6 महीने के बाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का फाउंडेशन यानी प्रीएम्बल को बदल दिया गया। जब लोकसभा का टेन्योर मार्च में पूरा हो गया तो नवंबर में वो कौन से लोकसभा के कैंडिडेट थे जिन्होंने वोटिंग किया, सबसे बड़े मतलब हमारे साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया और हमें पता ही नहीं, हमने इस पर सार्वजनिक चर्चा ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब भी बड़े सोच रहे करूं क्या, करना करूं कि नहीं करूं, दुविधा में फंस गए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि जब मार्च 76 में लोकसभा खत्म हो गई तो कौन लोग थे जिन्होंने नवंबर 76 में इस पर वोटिंग किया। लेकिन सेकुलर शब्द इतना मोटा मजबूत हो गया है, उसको छेड़ने में, उसमें हथौड़ी मारने में डर लग रहा है। हम सेकुलरिज्म के विरोधी नहीं है, हम कह रहे हैं संविधान के अंदर जहां डालना है डाल दो, लेकिन पहले एक बार सेकुलरिज्म को डिफाइन कर दो। सेकुलर का मतलब क्या, जैसे शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया है, शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया है, ओबीसी को डिफाइन किया है, ऐसे सेकुलर को एक बार डिफाइन कर दो, उसके बाद संविधान में जहां डालना है डाल दो, लेकिन प्रीएम्बल से हटाओ, क्योंकि प्रीएम्बल के जो डेट पड़ी है वो 26 नवंबर 1949 की पड़ी हुई है। आज भी आप लोग खोलिएगा संविधान के प्रीएम्बल पे डेट क्या पड़ी है, 26 नवंबर 1949, और बदला कब गया, नवंबर 76 में, 27 साल के बाद बैक डेट में। इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता हमारे साथ, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, न लोकसभा में चर्चा, न राज्यसभा में चर्चा, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा, न हाई कोर्ट में चर्चा, न कॉलेज में चर्चा, न प्रोफेसर ने चर्चा, कहीं कोई एकेडमिक कहीं जगह चर्चा ही नहीं हो रही। और वो कह रहे हैं ये जो नाम पूछा जा रहा है ये गलत है। अरे भाई, एक सैनिक अगर अपना असली नाम से नौकरी लेता है, आईएएस अपना आईएएस के लिए जरूरी है अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम पट्टी लगाए, थानेदार के लिए जरूरी अपनी नाम पट्टी लगाए, आर्किटेक्ट के लिए जरूरी अपनी असली नाम पट्टी लगाए, वकील के लिए जरूरी अपनी असली नाम पट्टी लगाए, डॉक्टर के लिए जरूरी अपनी असली नाम पट्टी लगाए, सीए के लिए जरूरी अपनी असली नाम पट्टी लगाए, तो धंधा व्यापार करने वालों को असली नाम पट्टी लगाने में क्या दिक्कत है, लगना चाहिए कि नहीं, पूरे देश में लगना चाहिए, पूरे देश में लगना चाहिए। ये आर्टिकल 19 हमें राइट टू नो देता है, जानने का अधिकार देता है, सूचना का अधिकार देता है। भारत के सभी जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो हिंदी में क्या बोले, उपभोक्ता, सभी उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वो जो सामान है वो किस कंपनी ने बनाया है और ये सामान जो बेच रहा है ये कौन, ये जानने का अधिकार है। दूसरी घटना एक अभी हुई है, जामिया में प्रोफेसर धर्मांतरण करा रहे थे। एक चीज बताइए, यहां कितने अपने ब्राह्मण बैठे, मेरा हाथ उठाए, आप
अपनी जाति बदल सकते हो क्या? जितने हमारे ओबीसी भाई बैठे हाथ उठाएं जरा, आप अपनी जाति बदल सकते हो क्या? दलित भाई एक बार हाथ उठाकर बताएं, आप अपनी जाति बदल सकते हो क्या? एक बार जितने हिंदू हैं सब हाथ उठा ले, संख्या बढ़ी क्या हिंदुओं की? बढ़ गई? आप अपनी जाति बदल सकते हो क्या? अरे जब जाति नहीं बदल सकते तो रिलीजन कैसे बदल सकते? जब जाति नहीं बदल सकते तो धर्म कैसे बदल सकते? जाति तो हमें संविधान ने दिया, जब हम उसी को नहीं बदल सकते तो धर्म तो हमें भगवान ने दिया, हम उसको कैसे बदल सकते? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आर्टिकल 25 में धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। हमारे साथ जो सबसे बड़ी गड़बड़ी चल रही है कि एक तो संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है सर, हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया आज तक। पहली बात तो धर्म और रिलीजन में फंस गए, हमने दोनों को एक मान लिया, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। मैंने पहले कहा धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। दूसरा, दुनिया में 1100 रिलीजन है, इस रिलीजन में भी आपको दो कैटेगरी मिलेगी, एक भारत का रिलीजन, एक विदेशी रिलीजन। भारत वाले रिलीजन जोड़ते हैं, भारत में जो रिलीजन शुरू हुए, चाहे सिखिज्म शुरू हुआ, चाहे जैनिज्म शुरू हुआ या बुद्धिज्म शुरू हुआ, वो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, वो नारी तू नारायणी को मानता है, वो सर्व मंगल मांगल्य को मानता है, सबका साथ सबका विकास को मानता है, सबका कल्याण हो इसको मानता है। विदेशी रिलीजन में ऐसा नहीं मानते। तो इसलिए भारत में जो रिलीजन है इसको आप तो धर्म कह सकते हो, यानी जैन भी एक धर्म है, बौद्ध भी एक धर्म है, सिख भी एक धर्म है, उसको आप अंग्रेजी में चलो रिलीजन कहते हो, पंथ कहते हो, लेकिन हिंदू जैन बौद्ध सिख की सोच एक जैसी है, संस्कार एक जैसा है, विचार एक जैसा है, परंपरा एक जैसी है, वो इंक्लूड करता, एक्सक्लूड नहीं करता। हिंदू जैन बौद्ध सिख में टू वे है, आ भी सकते हो जा भी सकते हो, जाने वालों का सर नहीं कलम होता। एक और अंतर है, शैव हो तो भी हिंदू, वैष्णव हो तो भी हिंदू, शाक्त हो तो भी हिंदू, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू, नवरात्र व्रत रखो तो भी हिंदू, नहीं रखो तो भी हिंदू, डेली पूजा करो तो भी हिंदू, नहीं करो तो भी हिंदू। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है, रिलीजन में फिक्स क्राइटेरिया होती है। धर्म रिलीजन का एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है, रिलीजन में वन गॉड वन बुक होती है, धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में चार तो वेद हो गए, 18 पुराण हो गए, भगवत गीता हो गई, रामचरितमानस हो गया, वाल्मीकि रामायण हो गया, भगवान श्री राम भी हो गए, भगवान कृष्ण भी हो गए, भगवान परशुराम भी हो गए, शंकर जी भी हो गए, देवी भी हो गई, देवता भी हो गए, भगवान बुद्ध भी हो गए, भगवान महावीर भी हो गए, गुरु ग्रंथ साहिब भी हो गया, सब हो गया। ये डिफरेंस है। तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या भारत के लोगों को फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान के बेसिक टेनेट के खिलाफ। क्या लोगों को ऐसे रिलीजन में जाने की अनुमति मिल सकती है जो रिलीजन इक्वेलिटी को मानता नहीं? संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा है? इक्वेलिटी। क्या दुनिया के सारे रिलीजन इक्वेलिटी को मानते हैं क्या? मैंने कहा ना, फॉरेन रिलीजन नहीं मानते। संविधान में लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, क्या सारे रिलीजन मानते हैं क्या? नहीं। संविधान में लिखा है फ्रेटेंटी, भाई भाईचारा, समता समरसता, क्या सब मानते हैं क्या? संविधान में लिखा है यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र प्रथम, क्या सब लोग मानते हैं क्या? इसका मतलब यह हुआ, जो संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है वो केवल उन्हीं लोगों में आपस में घूमने की आजादी देता है जो संविधान के प्रियम्बल को मानते हैं, जो नहीं मानते उसको नहीं देता। तो समाधान क्या है धर्मांतरण को रोकने का? सबसे पहले जरूरत है संविधान के आर्टिकल 11 को लागू किया जाए। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है, जिसपे आज तक कभी संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कहीं चर्चा ही नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में चर्चा ही नहीं हुई,
कि भारत में एक नागरिकता कानून बनना चाहिए, भारतीय नागरिकता संहिता। आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में खूब सुन चुके होंगे, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आर्टिकल 44 है, मैं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की बात कर रहा हूं जो आर्टिकल 11 है। लगता थक गए। भारत माता की, मैं कहूंगा ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप बोलिए जिसकी कोई दवाई नहीं। मैं कहूंगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप बोलिए जिसका समाधान नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। डॉक्टर साहब शरीर के डॉक्टर हैं, मुझे भी छोटा मोटा डॉक्टर मान लीजिए, मैं सामाजिक समस्याओं का डॉक्टर हूं। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि एक भारत में यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए, आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नागरिकता देना और नागरिकता लेना उसकी कंडीशन होनी चाहिए। यानी जब आप बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं उसी समय आप लिख दीजिए कि किस किस कंडीशन के आधार पर आप उसको बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, और उसी में यह भी लिखा होना चाहिए यह जो कंडीशन अगर तोड़ा तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट गया। जब आप वोटिंग का वोटर कार्ड बना रहे हैं उसी समय एक अंडरटेकिंग ले लीजिए, मैं इक्वलिटी को मानूंगा, जस्टिस को मानूंगा, लिबर्टी को मानूंगा, फ्रेटर्निटी मानूंगा, यूनिटी मानूंगा, नेशनल इंटीग्रेशन मानूंगा, भारत को मानूंगा, भारत की संस्कृति को मानूंगा, भारत त्योहार मानूंगा, भारत की परंपरा को मानूंगा, भारत का विचार मानूंगा, सर्वमंगल मांगल्य मानूंगा, सर्वधर्म संभाव मानूंगा, वसुधैव कुटुंबकम को मानूंगा, और जो न माने उसकी वोटर आईडी वापस। वो हुआ क्या? अगर डॉक्टर वेतन ले और ठीक से दवाई ना दे, इसको क्या कहेंगे? अपनी ड्यूटी के साथ क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। मैं अपना शब्द आपके मुंह में डालना नहीं चाहता, आप बताइए। अगर डॉक्टर पूरी तनख्वाह ले लेकिन ठीक से दवाई ना दे तो क्या बोलेंगे उसको? कहते हराम का खा रहा। टीचर पूरा वेतन ले ठीक से ना पढ़ाए तो क्या कहेंगे? ड्राइवर पूरा वेतन ले ठीक से गाड़ी नहीं चलाए तो क्या कहेंगे? तो जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है, अगर वो संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, जिन्हों को कानून बनाना है वो संविधान के अनुसार कानून नहीं बना रहे हैं, तो क्या वो क्या कर रहे हैं? आप लोग तय कर लो, मैं नहीं बोलूंगा। तो आर्टिकल 25, मैंने एक PIL फाइल किया सर सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले उसमें मांग किया कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। मुगल यहां पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, यह बहुत बड़ा एक मिथ है जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया। मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे, अगर वो सत्ता केवल सत्ता के लिए आए होते तो राजपाट करते रहते, वो मंदिर नहीं तोड़ते, मस्जिद नहीं बनवाते, हत्या नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, जनेऊ नहीं उतरवाते, और अगर मुगल केवल सत्ता के लिए आए होते तो सिख पंथ बनता ही नहीं। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल क्या करने आए थे? इस्लाम को फैलाने आए थे, हिंदुओं को कन्वर्ट करने आए थे। दूसरा, एक हमें गलत सूचना दे दी गई, अंग्रेज यहां सत्ता के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज व्यापार करने नहीं आए थे, न केवल सत्ता के लिए आए थे, वो केवल और केवल क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। मुगलों ने धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया, आज भी धर्मांतरण हो रहा है, तो किस बात की आजादी? ये धर्मांतरण लाइलाज समस्या है क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी इस पवित्र भूमि से, केवल एक कानून बना दिया जाए, कल के बाद धर्मांतरण कराने की कोई जरूरत नहीं करेगा। लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे बनाना पड़ेगा, संसद में बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण आप बताइए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन पुलिस लिस्ट इसलिए नहीं लगाती क्योंकि हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसमें उसको डिफाइन ही नहीं किया। खतरा है क्या?
धर्मांतरण खतरा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में धर्मांतरण को हमने शामिल ही नहीं किया कि यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पुलिस लगाती नहीं। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि भारत में कन्वर्टेड वाले ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, असली वाले नहीं खतरनाक है। हम किससे परेशान है? कन्वर्टेड से। हम परेशान कन्वर्टेड हिंदुओं से हैं। आप पूरे भारत में उठा के चाहे नॉर्थ ईस्ट उठा लीजिए, चाहे अपना जबलपुर उठा लीजिए, हम परेशान किससे हैं? कन्वर्टेड हिंदुओं से। हमारे लिए खतरा कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन एकता अखंडता के लिए क्या खतरा उसको हमने डिफाइन ही नहीं किया। यूएपीए में हमने कन्वर्जन को डाला ही नहीं, तो इसलिए पुलिस नहीं लगाती। पुलिस क्या करे? भारत के पुरानी वाली इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन था वेजिंग वॉर, और नई वाली भारतीय न्याय संहिता में वो प्रोविजन है वेजिंग वॉर, जिसमें आजीवन कारावास फांसी का प्रावधान है। भारत में सबसे कम यूज होने वाला जो सेक्शन है वो है वेजिंग वॉर। कभी लगता ही नहीं, बस पड़ा हुआ है, पहले भी पड़ा था, आज भी पड़ा हुआ, कभी लगता ही नहीं। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक वॉर चलाया जा रहा है, वो है धर्मांतरण। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पूरे देश की पुलिस वेजिंग वॉर का सेक्शन लगाना शुरू कर दे। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ है ही नहीं। भारत के लोगों को जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, सर्वधर्म संभाव को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उनको धोखा देके, लालच देके, साम नाम दंड भेद द्वारा हॉस्पिटल में लालच देके, इलाज का लालच देके, कोई और तरीके से फ्री का स्कूलिंग का लालच देके उनको फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो संविधान को, जिसका बेसिक टेनेट हमारे संविधान के खिलाफ है, इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन हमने वेजिंग वॉर इसको डिक्लेयर ही नहीं किया।